रामलाल, तुम अपनी बीवी से इतना क्यों डरते हो? मैंने अपने नौकर से पूछा। मैं डरता नहीं साहब, बस उसकी कद्र करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं हंसा और बोला, ऐसा क्या है उसमें? ना सूरत अच्छी है और ना ही पढ़ी लिखी है। जवाब मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। जो रूह का गुलाम मेरे मुंह से निकला। क्या और कोई रिश्ता मायने नहीं रखता तेरे लिए? मैंने पूछा। उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, साहब माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वो तो भगवान होते हैं। उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। आपका मेरा रिश्ता भी जरूरत और पैसे का है, पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। अपने माता पिता परिवार के सब रिश्तों को पीछे छोड़कर हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है आखिरी सांसों तक। मैं अब बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। वो आगे बोला, साहब जी पत्नी सिर्फ एक अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि वो तो पूरे का पूरा रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तब वो एक माँ जैसी होती है। जब वो हमें जमाने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है, और जब मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूँ क्योंकि जानता हूँ कि वो हर हाल में मेरे घर का भला करेगी, तब वो पिता जैसी होती है। जब हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड़ करती है, हमारी गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब वो बहन जैसी होती है। जब हमसे नई नई फरमाइशें करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब वो बेटी जैसी होती है। जब हमसे सलाह करती है, मशवरा देती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब वो एक दोस्त जैसी होती है। जब वो सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है, तो वो एक मालकिन जैसी होती है। और जब वही सारी दुनिया को, यहां तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारी बाहों में आती है, तब वो पत्नी प्रेमिका, हमारी अर्धांगिनी और आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्यौछावर करती है। मैं उसकी इज्जत करता हूं तो क्या गलत करता हूं साहब? एक अनपढ़ और सीमित साधनों में जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति से जीवन का ये मुझे एक नया अनुभव हुआ, और वो कुछ ऐसा कि पत्नी के बीमार होने पर अगर पति सिर सहला दे तो वो गुलामी नहीं होती, अगर पत्नी टिफिन बना रही हो तो पति बच्चों के बाल बना दे तो वो गुलामी नहीं होती, पति नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पर फेंकने की बजाय खूंटी पर टांग दे तो वो गुलामी नहीं होती, काम से लौटने पर पत्नी की मनपसंद चीज ले आए तो वो गुलामी नहीं होती, अगर पत्नी सफाई में लगी है पति उसके लिए चाय बना दे तो वो गुलामी नहीं होती, काम से छुट्टी होने पर पति अगर पत्नी का घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटा दे तो वो गुलामी नहीं होती। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों को पति लोग सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि कहीं किसी ने देख लिया तो जोरू का गुलाम ना बोल दे। जिंदगी आपकी है, पत्नी आपकी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, लोगों के पास क्या है? सिर्फ जुबान? जुबान नहीं चलाएंगे तो खाना कैसे बचाएंगे? ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करें। पति पत्नी के रिश्ते की डोर बहुत कोमल होती है, आपसी प्यार और सम्मान से ही इसे मजबूत बनाया जा सकता है। दोस्तों, स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।